नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। आगामी लोकसभा चुनाव के तैयारियों को लेकर आज मोतिहारी और सुगौली विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ की बैठक आज स्थानीय नगर भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में बीएलओ को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी रमन कुमार ने एसटीवी न्यूज से खास बात करते हुए कहा, किस तरह का सर मीटिंग हुआ है और क्या निर्देश दिए गए हैं? लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। इस क्रम में कल हम लोगों ने बैठक किया था सभी ऑफिसर्स के साथ और आज हम लोगों ने सभी बीएलओज को, दो विधानसभा क्षेत्र मोतिहारी और सुगौली विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओज को बुलाया है। उनकी क्या जवाबदेही रहेगी चुनाव की तैयारियों के क्रम में, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे अवगत कराने के लिए और उन्होंने जो अभी तक काम किया है इस संबंध में उनके काम का रिव्यू भी किया जाना है। और विशेष बात यह है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन होना है सभी मतदान केंद्रों पर। इसके लिए वोटर्स में अवेयरनेस का काम, सभी लोगों को जागरूक करने का काम, इन सब चीज़ों के लिए उनको टास्क दिया जा रहा है। झरोखर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर मुस्लिम टोला के मोहम्मद मजीद मियां ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री के अपहरण की बात कही है। झरोखर थाना को दिए आवेदन में अपने ही गांव के मोहम्मद मीर हसन मियां, अफताब मियां सहित 9 नामजद लोगों को आरोपित किया गया है। आरोप लगाते हुए मजीद मियां ने कहा कि झरोखर थाना FIR लिखने में पीछे हट रही है, इसलिए मोतिहारी SP को आवेदन दिया गया है। मोहम्मद मजीद मियां ने एसटीवी न्यूज को बताया, हम रही सवेरे पहर काम करने, लड़की हमारे चल गए 9 बजे स्कूल, हम काम करके अली शाम के तो पता चला गांव के लोग घर डांट डपट कर घर ले गया। हम गया तो बोला जे 1-2 लाख रुपया दो तब दो 4 रोज का छोड़ेंगे। इसी के बाद में हमको भी औरत को मार दिया, डांट डपट कर बिलगा दिया। उसके बाद हम निवेदन लेके गए थाना पर तो दरोगा जी ने हमको कहा जे जाओ यहाँ से भाग जाओ, आप फंस जाएगा, हमको भगा दिया वहाँ से। दरोगा जी आवेदन नहीं लिए जी? ना। कथी बोले? बोले जे तुम फंस जाओगे, जाओ तुम अपना भाग जाओ यहाँ से। वही एडवोकेट समीउर रहमान ने इस मामले को लेकर एसटीवी न्यूज से कहा, इन्होंने जैसा बताया कि ये सीरियस ऑफेंस है और लड़की जो है माइनर है, पुलिस को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और FIR लॉन्च करना चाहिए और जो भी हो मैटर अपना इंक्वायरी करे क्या फैक्ट है, वहाँ तक कोर्ट तक बोले कोर्ट अपना फैसला करेगा वो कैसे किसी को फंसेगा या नहीं फंसेगा। कल हुए कोटवा के गढ़वा चौक के समीप बम ब्लास्ट में घायल 4 बच्चों का इलाज मोतिहारी सदर अस्पताल में चल रहा है। आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह सदर अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों से मुलाकात किए व 4 बच्चों को कंबल भी दिया। एसटीवी न्यूज संवाददाता ने सदर अस्पताल मोतिहारी पहुंचकर इलाजरत बच्चों से बात की। उठा के ले आ झोर आम कनी जे कथि है पर नीचे धैलक पर बाज लखी है। कथि तो नहीं, कहां झोरा मिल रहा है? मुझ के झुरता रहा है। तो नहीं देख, तू देख रहा कथि लई में? ना हम ना देख रहे, हम देख रहे लख। कति बल शुरू से बताओ, तू शुरू से ये बाटी कथि बताओ कि ये कहलक कि हम ये गैलक उठा लेलक ठीक बा, तो जाके ले लक आगे में धैलक न तो बाज गेल। बाजलक बाद अब ई था नहीं के कथी कर बोल कथी कर देना। कै बेर बाजल? एक बेर बाजबे। तू होश में रह कि बेहोश में रह? होश में रही हल्का। मोतिहारी विधायक और प्रदेश के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने आज मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के उत्तरी एवं दक्षिणी नगर के सभी शक्ति केंद्र प्रभारी एवं प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सहरसा में नाला निर्माण करा रही कंपनी से रंगदारी मांग की मामले में केसरिया नगर पंचायत अध्यक्ष रजनीश पाठक उर्फ रिंकू पाठक सहित संदीप गुप्ता को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सहरसा एवं स्थानीय पुलिस तथा STF की टीम ने रिंकू पाठक को केसरिया थाना क्षेत्र से छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। इस दौरान आरोपी से STF की टीम ने थाना परिसर में घंटों पूछताछ की थी। पश्चिमी चंपारण के लौरिया प्रखंड अंतर्गत मठिया गांव में आज अफताब रोशन सेवा केंद्र बेतिया द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष अफताब रोशन ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा की।
इस शिविर में एमजेके कॉलेज बेतिया के अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष रविंद्र कुमार चौधरी ने महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताया, साथ ही शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पताही प्रखंड के युवा नेता अमित अभिषेक एवं सरैया गोपाल पंचायत के मुखिया सुरेश प्रसाद सिंह ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। मुखिया जी ने प्रखंड क्षेत्र से आए गरीब एवं असहाय लोगों के बीच अपने दरवाजे पर ही कंबल का वितरण किया। शहर के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी को CBSE सीनियर सेकेंडरी प्लस टू की पढ़ाई के लिए मान्यता मिल गई है। गौरतलब है कि डॉक्टर कपिलेश्वर सावित्री एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित इस विद्यालय को 2016 में 10वीं की मान्यता CBSE बोर्ड द्वारा दी गई थी। इस अवसर पर स्कूल के निर्देशक RK सिंह ने बताया, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी और उस समय में स्थापना करने के समय में ये उद्देश्य रखा गया था कि यहाँ पे चंपारण के बच्चों को शिक्षा की एक उच्च स्तर की एक व्यवस्था दी जाए, जहाँ शिक्षा के साथ साथ उनका नैतिक विकास भी हो और उनका एक सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा के साथ वो खेलकूद सामाजिक कार्यों में उनकी काफ़ी उन्नति हो, इसको ध्यान में रखा गया था। और अभी भी हम लोग शिक्षा की व्यवस्था ऐसी रख रहे हैं जिसमें बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। नॉर्मली स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा ट्यूशंस और कोचिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, उसका हम लोग काफ़ी यहाँ ध्यान रखते हैं। और इस बार हम लोग को 2016 में स्कूल को 10वीं क्लास के लिए CBSE की मान्यता मिली हुई थी और अभी 12th क्लास के लिए यानी सीनियर सेकेंडरी क्लास के लिए CBSE के द्वारा इसको मान्यता मिली है, जो 2018-2020 के सेशन के लिए इसको मिल गई है। और स्कूल को जो हम लोग अब नए जो सत्र शुरू होने जा रहा है 2019 मार्च से, उसमें हम लोग इसकी पढ़ाई की जो उच्च व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो 12th क्लास में बच्चे जो पास करें, उसके बाद उनको जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी जो करनी पड़ती है बाहर जा कर के, वो उनको ना करना पड़े। हम लोग के यहाँ की शिक्षा के साथ साथ उनका उसको भी ध्यान में रख रहे हैं, जिससे कि वो इसी के पढ़ाई के आधार पे इंजीनियरिंग मेडिकल या आगे की जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें वो काफ़ी सफल है, इसको हम लोग ध्यान में रख के ही अपना कोर्स करते रहते हैं। पिछले दिनों चकिया के बैसहा गांव में एक मां के द्वारा अपने ही 3 मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या किए जाने के बाद पुलिस की जांच में कई अहम चीज़ें उभर कर सामने आई है। हालांकि पुलिस घटना के संबंध में शराब को लेकर पारिवारिक कलह और मृतका के पति के दूसरी महिला से संबंध जैसे 2 बिंदुओं पर जाँच कर रही है, लेकिन इसमें सबसे अहम जो बात कही जा रही है वह पति के शराब पीने को लेकर पारिवारिक कलह है। सूत्रों के अनुसार मृतका धनवंती देवी का पति दिलीप सहनी अक्सर शराब पीता था, जिसको लेकर पति पत्नी हमेशा झगड़ते थे। दिलीप सहनी जब भी घर आता तब शराब के नशे में ही रहता था। सूत्रों का कहना है कि पति शराब छोड़ दे इसके लिए मृतका धनवंती अक्सर आरजू करती और झगड़ती भी थी, लेकिन शराबी पति अपनी आदतों से बाज नहीं आता था। बताया जा रहा है कि घटना के दिन किसी बात को लेकर पति पत्नी में फोन पर कहासुनी हुई थी। इस दौरान पत्नी ने पति को धमकी देते हुए कहा था कि घर पर तमाशा लगा दें। पत्नी की धमकी से परेशान पति ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में पत्नी ने फोन काट दिया। फिर पति ने अपने पड़ोस के भतीजे को चाची पर नजर रखने को कहा। बताया जा रहा है कि भतीजे ने चाची की देखरेख की, लेकिन जैसे ही किसी काम से वह थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया, चाची धनवंती देवी ने मौत की ऐसी खौफनाक तस्वीर पेश कर दी कि सभी सन्न रह गए। हालांकि पुलिस इस घटना के संबंध में कई और बिंदुओं पर भी छानबीन कर रही है। यह हत्या है या आत्महत्या, पुलिस जांच के बाद सब पता चल जाएगा, लेकिन गुस्से और जज्बात में इंसान क्या कुछ कर डालता है, यह घटना इसका प्रमाण है। ठंड के इस मौसम में हल्की सी धूप दिख जाए तो लोग खींचे चले आते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला स्थानीय गांधी संग्रहालय मोतिहारी में। आज HTV न्यूज संवाददाता ने मोतिहारी गांधी संग्रहालय में ठंड के मौसम में धूप सेकते और खेलते बच्चों से बात की। आपका नाम क्या बेटा? अनुप्रिया। कौन सी क्लास में हो आप? UKG। UKG में हो, कहाँ घूमने आई हो?
अच्छा आपको कविता सुनाने आती है? सुनाइए जॉनी 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 यस पापा 18 नो पापा टेलिंग लाइन नो पापा गुड। मेरा नाम श्रेयांशु श्री है। कौन सी क्लास में हो आप? 4। कहाँ से आई हो? हम बेली से मोटियारी से। अच्छा यहाँ कहाँ पे आई हो? गांधी सरकार। अच्छा गांधी जी को जानती हो? हाँ। कौन थे गांधी जी? गांधी जी हमारे महात्मा पिता से। अच्छा पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो आप? हम पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा आप क्या बनना चाहोगे पढ़ लिख के? हम पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृतिका है। अच्छा आपको पोएम आता है? हाँ। कौन सा? जॉनी जॉनी यस पापा लिटिल सुगर नो पापा टेलिंग लाई ओपन माउथ हा हा हा। अच्छा आपका नाम क्या है? दिव्यांश राज। आप कौन सी क्लास में हो? 2 पे। अच्छा कहाँ आए हो आज? गांधी संग्रहालय। गांधी जी को आप जानते हो? हाँ। गांधी जी के कितने बंदर थे? 3। और उनको बंदर क्या बोलते थे मालूम है आपको? क्या उनका संदेश क्या है? अच्छा एक पोएम सुनाइए आप। जानी जानी यस पापा लिटिल सुगर नो पापा टेलिंग लाई नो पापा हैप्पी हैप्पी योर माउथ हा हा। क्या बात है। एक और याद है स्कूल का। बोलिए। तिनका तिनका लाकर चिड़िया अपना नींद बनाती है नन्ही सी चींटी को देखो। तिनका तिनका लाकर चिड़िया अपना नींद बनाती है नन्ही सी चींटी को देखो घूम घूम कर मत्राती। आप कौन सी क्लास में हो? एलकेजी। आप एक कविता सुनाओ हमें। एक कविता सुनाइए आप। जानी जानी यस पापा। नहीं उसके अलावा कोई और दूसरा? ट्विंकल 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 लिटिल स्टार सुना दीजिए। अच्छा पढ़ लिख कर क्या बनोगे आप? पायलट। गुड। डीसीए के तत्वाधान में चल रहे जिला क्रिकेट लीग मैच का पहला सेमीफाइनल मुकाबला चकिया गांधी मैदान में आज खेला गया। इस मुकाबले में स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी ने चकिया क्रिकेट एकेडमी ब्लू को 53 रनों से हराते हुए फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। पहले बल्लेबाजी करते हुए मोतिहारी टीम ने निर्धारित 30 ओवर में 151 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और अपने लक्ष्य का पीछा करने उतरी चकिया की पूरी टीम 98 रन पर ही धराशायी हो गई और 53 रनों से मैच गवा दिया। आज के लिए बस इतना ही। चंपारण से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसटीवी न्यूज। नमस्कार।